कितना बोला गया है 30 मिनट कंटिन्यू रनिंग करना है, ठीक है। सब नया लड़का ध्यान देगा, 30 मिनट के दौरान आपको रुकना नहीं है। दूसरी नंबर बात, यदि आप जितना कैपेसिटी है उतना दौड़ना है, ऐसा नहीं कि मतलब एक बार पूरा खींच के दौड़ना है, एकदम आराम से लहलाए दौड़ना है, कंटिन्यू आपको बनाना है। लास्ट राउंड का आपका फिनिशिंग आपको फास्ट करना है, ठीक। नेक्स्ट बात, जब हम दौड़ रहे हैं तो पैर को उठा के ऐसे लैंडिंग को करें, पैर को उठाएंगे ऐसे लैंडिंग करेंगे, पैर को ऐसे धीरे स्लो मोशन देखो, ऐसे उठाएंगे ऐसे लैंडिंग करेंगे, ये वाला पैर मेरा उठ के ऐसे लैंडिंग करेंगे, देख रहा है। फ्लैट फुट लैंडिंग नहीं करेंगे और हिल लैंडिंग नहीं करेंगे, समझ में आ गया। थप थप की आवाज नहीं आना चाहिए, अपन थप थप की आवाज नहीं आना, ठीक, समझ में आया। हमको पैर कैसे उठाना है, ऐसे उठा के ऐसे रखना है, ऐसे उठा के ऐसे रखना है, वन और टू, ये वाला गिरेगा उसके बाद होगा, इससे करोगे तुम्हारा पैर में कभी भी पेन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी नंबर बात, हाथ का पोजीशन बहुत लड़का ऐसे ऐसे चला रहा है, ये क्या पोजीशन है रे, पैर हाथ का पोजीशन हल्का ऐसे मुड़ा होना चाहिए और ऐसे ऐसे दौड़ना है, ठीक है। दूसरी नंबर बात, अपने बॉडी को टाइट नहीं करना है, तू स्प्रिंट रनिंग नहीं कर रहा है, स्लो रनिंग कर रहा है, अपने बॉडी को बिल्कुल लूज रखना है, क्या रखना है, एकदम पूरे बॉडी को अपना लूज रखना है, एकदम नॉर्मल रखना है, और नॉर्मल रख के आराम से केवल जंप लगाते हुए जाना है, पावर का इसलिए यूज होता ही नहीं है, ये नहीं कि पूरा खींच रहे हैं, पूरा धीरे ही दौड़ रहे हैं ऐसे पूरा जोर लगा के, नहीं, मुक्का को ऐसे दौड़ना नहीं है, मुक्का बांध के बहुत लड़का है ऐसे दौड़ा है तुरंत थक जाएगा, अगर कोशिश करना है थोड़ा ऐसे चला, समझ में आया। इस तरह से दौड़ो जैसे मन वैसे दौड़ रहा है, कौन हेंगा दौड़ रहा है, कौन हेंगा दौड़ रहा है, चाल सुधारो रनिंग सुधर जाएगा, समझ में आया। इस चीज को ध्यान में रखो, ऐसे दौड़ना है, सबको समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हम, यदि आप हाथ गलत चला रहे होंगे तो यहाँ पे टोकेंगे कि हाथ सीधा चलाओ, फोर फुट लैंडिंग करो, डोर लैंडिंग करो, जो जैसा बताया जाएगा वैसे यहाँ से करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि एकदम जैसे मन, क्योंकि यहाँ पे सीखने आए हो तो, सीखने आए हो तो तरीका से दौड़ो, दौड़ने से रनिंग नहीं बनती है, तरीका से दौड़ने से रनिंग बनती है। यदि तुम्हारा दिशा, जो सही से दिशा निर्देश को फॉलो करोगे तभी तुम अच्छा कर सकते हो, अन्यथा केवल रगड़ने से दौड़ने से नहीं होगा। रूल से दौड़ो, नियम क्या कहती है वो दौड़ो, जो लॉ कहती है उसको फॉलो करो, ऐसा नहीं कि एकदम जैसे मन वैसे दौड़ेगा, समझ में आया। तब फिट है, चलो ऐसे दौड़ेगा आराम से, कोई आपको घबराहट नहीं होना चाहिए, अंदर से ना टेंशन होना चाहिए, एकदम माइंड को फ्री करके और पोजीशन को सही रख के और पूरे बॉडी को ऐसे करके नहीं दौड़ो, बहुत बुरा है ऐसे करके दौड़ रहा है, क्या जरूरी है रे, आराम से सीधा रहो, हल्का झुक जाओ, आराम से फिट के पैर रहो, आराम से, समझ गया। बॉडी का पोजीशन कितना होगा, इतना होगा, ये नहीं कि ऐसे करके दौड़ेगा, ये दौड़ के रूल नहीं है, सब पोजीशन केवल तुम तरीका अभी सीखो, अभी दौड़ने का अनुमति किसी को नहीं दिया है, एकदम धीरे धीरे दौड़ो, जितना कैपेसिटी है उतना दौड़ो, लेकिन तरीका पर ध्यान दो, ठीक है, चलो। पोजीशन ठीक से रखो, देखो तब 30 मीटर देखो, कितना 30 मीटर दूरी दे, डिस्टेंस देखो अपना, अब नीचे मुड़ी करके मन दौड़ो, 30 मीटर देखो सामने, हाथ चलाओ हल्का और पैर को उठा के भिगो, सिवरा के मत ले जाओ, मुक्का खोल के जाओ, आगे देखो, आगे बॉडी को थोड़ा स्ट्रेट रखो, पूरा पूरा काम है, पैर उठाओ, पैर सीधा उठाओ मुन्ना, हाथ को अंदर करो, पूरा बाहर अंदर ज्यादा लेके जा रहा है,